11 लाख करोड़ रुपए खत्म, गायब, टाटा बाय बाय। एक ही दिन में स्टॉक मार्केट में 11 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। एक बाजू जंग का बिगुल बज चुका है और आमने सामने है ईरान और इजराइल, लेकिन दूसरे बाजू इंडिया को डर क्यों लग रहा है, हमारा क्या लेना देना। आज देखेंगे कि अगर वॉर हुई तो इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मिडिल क्लास और बिजनेस एमएसएमई पे क्या असर पड़ेगा। बात करते हैं ये बड़े वॉर और बिजनेस इंपैक्ट का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर, इन्वेस्टर और राइज गुरु। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। इसराइल ने पहले गाजा को तबाह किया और अब लेबनान में इसराइल के हमलों में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। हालांकि इस जंग जैसे हालातों के बीच भारत के लिए रूस यूक्रेन जंग जैसी चुनौती ही नजर आ रही है। अगर आपको ये नहीं पता कि इसराइल और ईरान क्यों लड़ रहे हैं, तो शॉर्ट में मैं बैक हिस्ट्री बता देता हूँ। इसराइल 56 इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है और ज्यूस के लिए पूरे विश्व में डेडिकेटेड एक छोटा सा जगह इसराइल है, जो डिस्प्यूट से लिया गया है। और ये जो 56 इस्लामिक कंट्रीज है, इसमें सिर्फ एक या दो देशों से ही इसराइल की बनती है। पाकिस्तान जैसे देश तो इसराइल को देश मानते ही नहीं है। और इसराइल का अक्सर पैलेस्टाइन और गाजा से टकराव होता रहता है, खास करके हमस के साथ, जो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पार्टी है। अब पैलेस्टाइनियंस कहते हैं कि इसराइल की जगह उनकी है। 7 अक्टूबर दो साल पहले 2022 को हमस के मिलिटेंट्स ने इसराइल में फर्स्ट टाइम घुसकर इतना बड़ा हमला किया, किलिंग्स किए, अबडक्शन किए, लेकिन इसराइल चुप बैठने वालों में से नहीं था। बदले के मूड में था कि जितना टाइम लगे खून का एक एक कतरा का बदला लेगा, और इसराइल ने यही किया। कभी गाजा पर मिसाइल अटैक्स, कभी हेलीकॉप्टर के अटैक्स, कभी हेजबोला पर अटैक्स। और इसराइल ने कुछ दिन पहले ही लेबनान में हेजबोला के मिलिटेंट्स को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि हेजबोला एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान से रहता है और जिसने खुले आम पे इसराइल को चुनौती दिया कि आप ये गलत कर रहे हो, हम पैलेस्टाइन के साथ हैं, और अगर आप ये गाजा और पैलेस्टाइन के अटैक को कंटिन्यू करेंगे तो हम आपके ऊपर वॉर करेंगे। तो हेजबोला वहाँ से रॉकेट से उनके शिप्स के ऊपर वॉर कर रहा था, और यही देखते देखते इसराइल ने बहुत स्मार्टली शांति से उनके पेजर्स पे मिनी बॉम्ब्स लगाकर ब्लास्ट कर दिया और उनके टॉप कमांडर को उड़ा दिया। इसराइल का मोसाद दुनिया का सबसे डेंजरस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, और इमेजिन करो कि ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक आदमी को टारगेट किया जिसके पास पेजर या वॉकी टॉकी था, और उसको ब्लास्ट करवाया। यानी इतना बड़ा झटका कि हेजबोला के सभी लीडरशिप को उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। ईरान ने ये सब देखकर 180 मिसाइल्स इसराइल पर फेंक दिए। अब इसराइल भी फुल तैयारी में है और ईरान कह रहा है कि भाई इसका एक और अटैक होगा तो बड़ी वॉर होने के चांसेस होंगे और शायद ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा। तो ये पूरे चक्रव्यूह में ये वॉर फंसा है। 2 साल से लंबा वॉर चल रहा है, और आजकल के वॉर्स लंबे चलते हैं। रशिया यूक्रेन 2-3 साल से चल रहा है, ये भी वॉर 2 साल से चल रहा है। और अगर ये टकराव एक फुल फ्लेज वॉर में बदल गया तो इसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी, बिजनेस, एमएसएमई, आम आदमी पे पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में क्या स्टेक पे है। तो आज के टाइम में इंडिया और मिडल ईस्ट का ट्रेड करीबन $195 बिलियन है, और लास्ट कुछ सालों में ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ इसराइल और इंडिया की दोस्ती तो जय वीरु शोले जैसी है। इंडियंस बहुत सारे इसराइल में काम करने गए हुए हैं, और इसराइल इंडिया का एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले 5 सालों में इंडिया इसराइल की ट्रेड की वैल्यू $5.56 बिलियन से डबल होके ऑलमोस्ट $10 बिलियन तक पहुँच चुकी है, और ईरान इंडिया के ट्रेड की वैल्यू भी $1.52 बिलियन है। इनफैक्ट ईरान भी इंडिया का एक वैल्यूएबल पार्टनर है, और क्यों? दो रीजन से। इंडिया का आज $120 मिलियन लगा है ईरान का चाबाहार पोर्ट बनवाने में, जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का एक्सेस देता है। और सेकेंड, ईरान का तेल। तो मतलब अगर वॉर हुई तो ये सारा का सारा ट्रेडिंग रिलेशनशिप ठप पड़ जाएगा, ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज पर भी धक्का लगेगा। और वो कैसे? सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक बड़ी वॉर हुई तो इंडिया के इकोनॉमी पे कैसे असर पड़ेगा।
हम चाहते हैं कि इंडियन रुपीज डॉलर के सामने स्ट्रांग हो। आज एक डॉलर 84 इंडियन रुपीज के आसपास है। अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में होगा और उसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा। एक्सपोर्टर्स हमेशा चाहेंगे कि नहीं ये ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आए लेकिन रुपी वीकन हो, लेकिन आज ये ट्रेड डेफिसिट 240 बिलियन डॉलर पर है और क्रूड ऑयल 75 डॉलर्स पर बैरल है। अभी वॉर के कारण अगर ये क्रूड ऑयल 80 डॉलर्स, 90 डॉलर्स या 100 डॉलर पर पहुंच गया तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ सकता है और करीबन 270 से 300 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है, जिसका असर इंडियन रुपी पे और इन्फ्लेशन पे गिरेगा। और जब रुपी गिरता है तो आरबीआई को करेंसी स्टेबलाइज करने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खर्च करने पड़ते हैं, जो अभी ऑल टाइम पे है, यानी देश का स्ट्रेंथ हिल जाता है। सेकेंड, ट्रेड रूट्स का क्या होगा? इंडिया का ट्रेड रूट बहुत सेंसिटिव है। इंडिया को अगर एक्सेस करना है यूरोप और अमेरिका को फास्ट पहुंचना है तो सुएस कनाल रेड सी से जाना पड़ेगा। अब रेड सी का इतना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है और इजिप्ट और सूडान में इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ये वीडियो जरूर देखना। टॉपिक पे आते हैं तो रेड सी रूट पे हूती रिबल्स का अटैक की वजह से ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो ज्यादा होर्मुज से होता है। इन रूट्स पे 400 बिलियन के मूवमेंट्स गुड्स के होते हैं और ये टेंशन ऑल आउट वॉर में बदल गया तो ऑयल इंपोर्ट के साथ साथ बाकी गुड्स का ट्रेड भी डिले हो सकता है, जिसमें इंडिया को नुकसान होगा। मिडल ईस्ट से 95% गुड्स वाटरवे से आते हैं। ईरान इसराइल टेंशन के बढ़ने से अगस्त में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 9% की गिरावट आई है। अगर वॉर हुई तो ये गिरावट 30% तक पहुंच सकता है। इंडिया अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 21% यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, जो इन सब टेंशन से अफेक्ट होगा। अगर ये रूट्स बंद होने लगे तो शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। इसलिए G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अनाउंस किया गया था, लेकिन अगर टेंशन बढ़ती है तो ये प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। अब ईरान इसराइल की टेंशन की वजह से इंडियन कंपनीज या बिजनेसेस पे फर्क पड़ेगा, ट्रेड रूट्स इंपैक्ट होगा, ऑयल इंपैक्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी तेल को खरीद के यूज करके रिफाइन करता है, अब खर्चा होगा, ऑयल महंगा होगा तो ऑफकोर्स पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। 2022 में इसराइल ने अडानी साहब को हाफा पोर्ट का कंट्रोल दिया है। अब अगर वॉर हुई तो पोर्ट ऑपरेशन नहीं रहेगा और फिर ये नेवल बेस वॉर मिलिट्री बेस हो जाएगा, यानी अगर वॉर हुई तो बिजनेस पे फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन भाई साहब, ये एमएसएमई को क्यों डर है ये वॉर से? ये तो रिलायंस और अडानी पे इंपैक्ट है, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स पे इंपैक्ट है, छोटे दुकानदार, छोटे एमएसएमई को क्या फर्क पड़ता है? एक, जो एमएसएमईज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है उनको तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि रॉ मटेरियल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑयल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, ये अगर सप्लाई चेन में इंपैक्ट होकर महंगा होता है तो मार्जिन कम हो सकते हैं। और सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी वॉर होता है तो गवर्नमेंट अपने लोन के रेट्स हाइक कर देते हैं, इकोनॉमी को कंजर्वेटिव कर देता है, यानी जो एंटरप्रेनर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है लोन्स लेता है। और इन्फ्लेशन, हर जगह महंगाई है, जहाँ पे एमएसएमई स्ट्रगल करेगा और वहाँ पे उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया की धड़कन ऑयल से जुड़ी हुई है। ईरान इसराइल के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ जैसे ही आती है, 73 डॉलर बैरल वाला क्रूड ऑयल 75 डॉलर हो गया। इसका असर एनर्जी, इन्फ्लेशन, लोन पे होगा और मिडिल क्लास के ऊपर ही होगा। और जैसे ही वॉर की न्यूज़ आते हैं तो स्टॉक मार्केट के ऊपर के जो सेंटिमेंट्स थे वो भी हिल जाएंगे, एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। आज का स्टॉक मार्केट इंडिया का फॉरेन फंड्स के कारण नहीं चल रहा है, डोमेस्टिक इन्फ्यूजन के कारण चल रहा है। यानी कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे आके आईपीओ लगाता है और उसके पैसे बढ़ते हैं, बट अगर वॉर होता है तो लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं, ये हाई वैल्यूएशन वाले कंपनीज फूट जाएंगे और लोग पैसा सेव करना लग जाएंगे। और जब पैसे का सप्लाई कम हो जाएगा एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, स्टॉक बाइंग के थ्रू, तो स्टॉक मार्केट का क्रैश हो सकता है। ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा मेरा एडवाइस रहेगा कि लिक्विडिटी रिजर्व्स मेंटेन करिए। अगर वॉर बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो बहुत सारे कंपनीज, प्रॉपर्टीज और अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रेस में आएगा, वो डिस्ट्रेस में आप उसे ले सकते हो। साथ ही साथ ऐसे टाइम पे गोल्ड का बाय करना, सिल्वर का बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन स्टॉक मार्केट्स क्रैश, व्हेन देयर इज़ अ वॉर क्राइसिस, गोल्ड और सिल्वर हमेशा सेफ रिजर्व होता है, लोग उसे बाय करते हैं। तो फिजिकल या डिजिटल गोल्ड बाय करना बहुत स्मार्ट होता है। और लास्ट में, सरकार को चिंता होती है उनकी जनता पे।
आज सरकार पॉलिटिकल पूरे रेवड़ी पे चल रही है, लेकिन अगर वॉर होता है तो आरबीआई अपना रिजर्व्स कम करेगा, अपना गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व कम करेगा, इन्फ्लेशन होगा तो और रेवड़ी करके देश की इकोनॉमी और खराब हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे काफ़ी इंडियन भाई बहन मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, लेबनन में करीबन 3,000, ईरान में 10,000, इसराइल में 30,000 के आसपास लोग हैं। पूरे मिडल ईस्ट में 9 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस काम कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 35 बिलियन डॉलर्स का एक्सपैट्रिएट यानी पैसे इंडिया घर पे भेजा। अब ये वर्कर्स की सेफ्टी भी इंडियन के टेंशन में है। मुझे लगता है कि वॉर के चांसेस कंटिन्यू रहेंगे, वर्ल्ड वॉर 3 शायद नहीं होगा, लेकिन ये वॉर लंबा चलेगा और इसके लिए एक स्मार्ट इंडियन के होने के नज़रिए से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए, कैश, लिक्विडिटी और गोल्ड में इन्वेस्ट करिए और अपने बिजनेसेस में जितना हो सके लो लोन्स और स्मार्ट लोन्स को रखिए, नहीं तो आप तकलीफ में आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना एंड शेयर विद समवन हु वांट्स टू राइज इन देयर बिजनेस एंड लाइफ। आई एम बसेश गाला साइनिंग ऑफ, लव एंड ब्लेसिंग्स।